हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज सोनपुर डायर सारण के प्रांगण में ठीक है आज़ादी के अमृत महोत्सव दिवस पर हमारे प्रशिक्षकों द्वारा सत्र 19-21 एवं सत्र 20-22 के प्रशिक्षकों के द्वारा एक दिवसीय सृजनात्मक प्रदर्शन का आयोजन किया गया जो कि आज आपको हम बारी बारी से दिखाने चलते हैं। चलिए आज चलिए सबसे पहले आपको हम लोग जो हमारे रॉकेट लंच का जो मॉडल होता है उस मॉडल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें किस तरीके से रॉकेट को लंच करने तक शुरू से लेकर बनाने से लेकर उसके लंच करने तक का जो कंट्रोल यूनिट होता है उस यूनिट को यहाँ पर समझाया गया बारीकी से। जो आप इसका मॉडल देख सकते हैं, इसका कंट्रोल यूनिट देख सकते हैं और हमारे यहीं प्रशिक्षु जो सत्र 19-20-21 के जो छात्र हैं प्रदीप सिंह द्वारा बनाया गया ये मॉडल देख सकते हैं, ये रॉकेट का लंच है। चलिए आपको नेक्स्ट मॉडल की तरफ ले चलते हैं। अभी हमने रॉकेट कैसे लॉन्च किया उसके बारे में जाना है। अब हम जानेंगे कि अभी के जो जरूरत है हमारी जो इंटरनेट की सबसे बड़ी सुविधा उस इंटरनेट की जो मॉडल है उसको कैसे दर्शाया जा रहा है। इसमें देख लीजिए इसरो आपको हवाई जहाज रॉकेट और इसके अलावा जो इस तरीके से ये लंच तो जो ग्रह पर उपग्रह लगी हुई है इस उपग्रह के थ्रू कैसे वो सिग्नल भेजते हैं कहाँ ये सब इंटरनेट को और इसके हिसाब से यहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके ये जो हमारे मॉडल होते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके इंटरनेट से लेकर सारी सुविधाएँ जो ये करते हैं आपको लोकेशन से लेकर हर चीज़ को ये मॉडल आपको दर्शाती है जिसमें अभी की जरूरत जैसे हॉस्पिटल है इसमें इंटरनेट की सुविधा है, मॉल है, हमारे सोनपुर का मॉडल भी लगा हुआ है। हर तरह की सुविधा जो हमारे इंटरनेट की सुविधा है ये आपको मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको नेक्स्ट मॉडल की तरफ ले चलते हैं जो ये बासी मशीन जो हमारे जो अभी की जरूरत है पहले के ज़माने में लोग हाथ से साफ किया करते थे लेकिन अब जो मॉडल आ गया है लोग जरूरत के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं ये वाशिंग मशीन जिसको आप देख सकते हैं इस मॉडल में कि नॉर्मल से कपड़ा इसमें डाल देना है, कपड़ा डालने के बाद इसमें जो सर्फ है उसको डाल दीजिए और एक मॉडल की तरफ आपको बताया जाएगा किस तरीके से ये वर्क करती है। ये देखिए स्विच है और ये जो नॉर्मल कैसे चलने लगी इसी जी हाँ इसी प्रकार से हमारे जो ओरिजिनल जो वॉशिंग मशीन होते हैं वो वर्क करते हैं और हमारे कपड़े को साफ करते हैं। चलिए अब आपको हम आर्ट क्राफ्ट के तरफ ले चलते हैं जिसमें हमारे जो प्रशिक्षु हैं किस प्रकार से एकदम जो वेस्ट मटेरियल से लेकर जो घर के जो निजी सामान होते हैं उन घरेलू सामानों का उपयोग करके किस प्रकार से ये जो मॉडल बनाए गए हैं देख सकते हैं जिसमें आप ये जो सिक्की कला के हैं ठीक है ये जो एक स्टैंड बनाया गया है जिसमें आपको बांस का नॉर्मल यूज़ किया गया है इस प्रकार से आप मिट्टी के बर्तन देखिए जो हम लोग कुछ बिना सीखे हुए जो बच्चों अपने आधार पर बनाए हैं इस तरह के मॉडल को बनाए हैं ऐसे करके देख सकते हैं आप ये जो क्या बोलते हैं ये लाइट है आपको ठीक है ये मॉडल है नॉर्मल देख सकते हैं ये देखिए कितनी अच्छी बनाई गई है आपको ये देख सकते हैं चिड़िया के घर ये कितनी अच्छी सुंदर से बनाई गई है और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कपड़ों पर जो कार्य किए गए ये सब हमारे प्रशिक्षु के द्वारा की गई है ये कोई नॉर्मल प्रोफेशनल नहीं किया ये हमारे प्रशिक्षु लोग किए हैं जिनके द्वारा देख पा रहे हैं कि आप इतने अच्छे से ये पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग जो कपड़े पर आर्ट वर्क है इस प्रकार से तरह तरह के बहुत सारे यहाँ पे जो मॉडल बनाए गए हैं बस हमारे इस इंस्टीट्यूट के इस कॉलेज के जो प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा बनाई गई है ठीक है और बहुत अच्छा लगा यहाँ देखकर आप अगर